all that stuff. I see non-duality as it's not really about that. The word is a translation of the Sanskrit Advaita, which literally means not to. And it goes way back to really 3,000 years ago to Vedanta, sort of the earliest, really the earliest teachings we have on the planet. And the best introduction that I know of it in that tradition is in the Upanishad. दोस्तों ये है पीटर रसल, एक फिजिसिस्ट, एक ऑथर और एक रिवोल्यूशनरी फ्यूचरिस्ट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पुर्तगाली स्टडीज के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। साथ में ही ये प्रेसिडेंट हैं साइंस एंड नॉन डुअलिटी के। दोस्तों इन्होंने हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों पर स्टडी करके रिसर्च की और वेदों और उपनिषदों में छुपे अमूल्य ज्ञान को अपनी बहुत सारी बुक्स में उजागर किया। जैसे इनकी बुक्स के नाम है From Science to God, Waking Up in Time, The Upanishad, The Global Brain और The Brain Book जैसी किताबों में इन्होंने वैदिक नॉलेज को पब्लिश किया है। सनातन धर्म की वैदिक नॉलेज का फायदा सदियों से वेस्टर्न साइंटिस्ट उठाते आ रहे हैं, पर जब कोई वेस्टर्न साइंटिस्ट अपने मुंह से ये बात बोलता है कि वह वेदों और उपनिषदों को फॉलो करता है, तो तब हम ज्यादातर भारतीयों को हमारे वेदों और उपनिषदों में लिखे गए अमूल्य ज्ञान पर अच्छे से विश्वास हो पाता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आज आपको एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताऊंगा जो वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूनिक और नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करोगे साइंस एंड नॉन डुअलिटी, तो आपको यहाँ पर एक चैनल मिलेगा जिसके 2,34,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये एक अमेरिकन चैनल है जो साइंस एंड नॉन डुअलिटी पर दुनिया के साइंटिस्ट और स्कॉलर्स के विचारों की वीडियोस पब्लिश करता है, यानी कि जो वैज्ञानिक भगवान और विज्ञान दोनों पर विश्वास करते हैं यहाँ पर आपको ज्यादातर वही मिलेंगे। दोस्तों वैसे ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों और विद्वानों की एक कम्युनिटी है जिसको शॉर्ट में सैंड बोला जाता है, यानी साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और इस कम्युनिटी का लोगो सनातन धर्म के वेदों से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल पर ओम को MC स्क्वायर के बराबर रखा हुआ है, यानी इस कम्युनिटी के साइंटिस्ट के अनुसार ओम यहाँ पर एक एनर्जी सिंबल है जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई दुनिया की सबसे फेमस फिजिक्स की इक्वेशन E=MC² के बराबर रखा हुआ है। और दोस्तों इसी कम्युनिटी में से मुझे कई ऐसे विद्वानों के बारे में पता चला जो सनातन धर्म के वेदों की डीपली स्टडी कर चुके हैं, जिनमें से एक है पीटर रसल। दोस्तों पीटर रसल, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यह एक फॉर्मर फिजिसिस्ट, ऑथर और एक फ्यूचरिस्ट हैं और साइंस एंड नॉन डुअलिटी के प्रेसिडेंट भी हैं। इन्होंने यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स की स्टडी की, जिसके बाद ये ह्यूमन माइंड के रहस्यों को जानने में बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु हो गए, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड की स्पिरिचुअल स्टेट और साइंटिफिक स्टेट के बारे में अच्छे से जानना चाहते थे। इसलिए ये सनातन धर्म की वैदिक फिलोसफी की डीपली स्टडी करने के लिए भारत चले आए। यहाँ पर इन्होंने वेदों और उपनिषदों की स्टडी की जिनसे ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए और अपने विज्ञान के अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर खोज पाए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना की सच्चाई क्या है, और व्हाट इज साइंस, कॉन्शियसनेस एंड गॉड, यानी कि विज्ञान, चेतना और भगवान क्या है। इनको इन सब प्रश्नों के जवाब सनातन धर्म के वेदों और उपनिषदों से मिल पाए हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने उपनिषदों में छुपे अमूल्य ज्ञान को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए एक बुक लिखी जिसका नाम था द उपनिषद, जिसको आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। इस बुक को लिखने के लिए इन्होंने मांडुक के उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ईसा उपनिषद, कठोपनिषद जैसे ज्ञान के महासागर उपनिषदों में से ज्ञान अर्जित किया और अपनी बुक में पब्लिश कर दिया। और इन्होंने अपनी वेबसाइट peterrussell.com पर भी द उपनिषद बुक के बारे में बताया हुआ है, जिसको आप भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस बुक को लिखने के लिए अलिस्टर शीरर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अलिस्टर भी एक कल्चरल हिस्टोरियन और सनातन धर्म के वेदों के ज्ञाता है जो लंदन यूनिवर्सिटी में फॉर्मर लेक्चरर भी रह चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई है। ये सनातन की संस्कृति और इसकी आध्यात्मिकता में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिसके कारण इन्होंने भी उपनिषदों की डीपली स्टडी की और इन पर बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश की हुई है, जैसे द स्टोरी ऑफ योगा
from ancient India to the modern West, or in the light of the self, Adi Shankara and the yoga of non-dualism, जिनको आप गूगल पर भी चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हो कि वेस्टर्न साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स हमारी वैदिक नॉलेज की स्टडी करके वेस्टर्न कंट्रीज में इस ज्ञान को पब्लिश कर रहे हैं, जिनसे हम भारतीयों को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।